दोस्तों, वनडे विश्व कप 2023 को शुरू होने में केवल 3 दिन रह गए हैं। उससे पहले टीम इंडिया 3 अक्टूबर को केरल के त्रिवंतपुरम में नीदरलैंड के खिलाफ वार्म अप मुकाबला खेलेगी। दोस्तों, टीम इंडिया का ये दूसरा वार्म अप मुकाबला होगा। उससे पहले आपको याद होगा 30 सितंबर को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाला अभ्यास मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था। ऐसे में वर्ल्ड कप से पहले ये भारतीय टीम का आखिरी अभ्यास मैच होगा। लेकिन दोस्तों, भारत और नीदरलैंड के बीच होने वाले इस वार्म अप मुकाबले से पहले बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं आ रही। त्रिवंतपुरम में पिछले 2 मैच बारिश के कारण रद्द हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच बिना टॉस के ही रद्द करना पड़ा, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के बीच खेला गया अभ्यास मैच भी बारिश के चलते बीच में ही रोकना पड़ा और रद्द कर दिया गया। ऐसे में अब 3 अक्टूबर को भारत और नीदरलैंड आमने सामने होने जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि त्रिवंतपुरम में 3 अक्टूबर को भारत और नीदरलैंड के मुकाबले के दौरान बारिश की 90% तक संभावना है। ऐसे में हो सकता है कि टीम इंडिया का दूसरा अभ्यास मैच भी बारिश की वजह से रद्द हो सकता है और टीम इंडिया बिना वार्म अप मैच खेले ही वर्ल्ड कप में उतर सकती है, जहां उसका पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होना है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।